नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1TV का खास कार्यक्रम मुद्दा अग्रम। मुद्दा अग्रम में बात करेंगे हम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र को लेकर। मुफ्त का चंदन, घिसमेरे नंदन। राजनीतिक पार्टियों में होड़ मची है लोगों को रियायतें देने की, सुविधाएं देने की, और एक तरह कह सकते हैं रेवड़ियां बांटने की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो। अब तक ये होड़ मात्र जो रीजनल पार्टियां होती थी, क्षेत्रीय पार्टियां होती थी, उनमें होती थी, और वो पार्टियां अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए इस तरह की घोषणाएं करती थी जिनसे मतदाता उनके लोक लुभाओं ने घोषणा पत्र में उलझ कर उन्हें वोट देता था। लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टियों ने भी जिस तरह की घोषणाएं की है, लगता है वाकई में जो आयकरदाता हैं, जो इनकम टैक्स चुकाते हैं, वो काफ़ी संसद में है कि आखिरकार हमारा क्या दोष है, हमने क्या बिगाड़ा है, टैक्स हमसे लिया जा रहा है और बांट दूसरों में जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, देश में सभी को बराबर चलाने के लिए, सभी को बराबर रखने के लिए सरकारें और राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बातें करती है, लेकिन फिर भी कुछ घोषणाएं ऐसी है जिनसे एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचता है, एक वर्ग विशेष को नुकसान होता है। तो कहीं के लोगों में ये बात चर्चा जरूर कर रही है कि राजनीतिक पार्टियों को खैरात बांटने के बजाय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना चाहिए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके, आत्मावलंबी बन सके और कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ सके। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं ललिता मेहरवाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर झा साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर जी, जिस तरह से ये प्रवृत्ति चली है और खासतौर पर इन चुनाव में दोनों राजनीतिक पार्टियों के जो घोषणा पत्र आए हैं उनमें कहीं गरीबों को 6,000 प्रति माह दिया जा रहा है, कहीं गरीबों को जो है गैस का चूल्हा दिया जा रहा है, कहीं घर देने की बात की जा रही है, कहीं बिजली पानी का कनेक्शन देने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आदमी को ऐसा लगता है निठल्ला बनाने का काम किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। देखिए, मेरा मानना ऐसा है, समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, देखिए रोटी सबको खाने के लिए चाहिए, कोई आदमी भूखा ना सोए, इसलिए देश का हर एक व्यक्ति जो भी इस देश का नागरिक है वो उसको पेट भर भोजन मिले, इसलिए उसको कुछ मानदेय हो सकता है, उसकी क्या मजबूरी है, क्या गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसको कुछ ऐसा मानदेय मिले जिससे कि वो अपना पेट भर सके। और आपकी बहुत अच्छी बात आपकी लगी मुझे कि स्वावलंबी बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। मुद्रा लोन के जरिए से 17 करोड़ लोगों को लोन बांटा गया भारत सरकार द्वारा, जिससे कि लोग आत्मनिर्भर बने। हम ये नहीं चाहते कि किसी को 72,000 रुपये सालाना दे दो, इतना सालाना, अरे आप आत्मनिर्भर बनाइए, किसी को भीख नहीं चाहिए आपकी। लेकिन गैस का चूल्हा, बिजली, एक जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक बिजली पहुँचे, जो आवश्यक जो चीज़ें हैं वो सभी को मिले, भोजन सभी को मिले, पानी सभी को मिले, इसके लिए ये प्राथमिकता रही सरकार की और सरकार इसमें सफल रही। बिल्कुल जहाज़ सही कहा आपने, भीख नहीं चाहिए, लोगों को सहायता चाहिए जिससे कि वो कहीं ना कहीं विकास के मुख्य धारा में जुड़ सके। लेकिन जिन वर्गों की बात आप कर रहे हैं शायद उन तक तो ना तो आपका उज्ज्वला का गैस पहुंच पाता है, नहीं 72,000 रुपये सालाना वो पहुंच पाता, क्योंकि वो लोग तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जिन लोगों को आप मुख्य धारा में लाना चाहते हैं वो तो उनके तो वोटर आईडी भी नहीं बने हुए, वो लोग तो कहीं कहीं आपको फुटपाथ किनारे और कहीं आपको लग रहा होगा कि किसी न किसी जगह पर अपनी जो जिंदगी है गुमनामी की जीते हैं। उन लोगों को जोड़ने का काम तो किसी पार्टी किसी सरकार ने अभी तक भी नहीं किया, क्योंकि वो लोग वोटर नहीं है, वोटर नहीं है तो उनकी कोई सोचता नहीं है, उनकी जो जिस समाज जिस वर्ग से आते हैं उनकी कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे में इसका फायदा भी, जो योजनाएं आती है उसका फायदा भी वे चतुर लोग उठाते हैं जो जागरूक है। ललिता जी, आपका क्या कहना, आपकी पार्टी ने भी 6,000 रुपये प्रति माह देने की बात कही है, लगता नहीं आप कहीं के नकारा लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए नीरज जी, ये जो बीजेपी का जो शासन था, 5 साल का जो शासन था, जिस तरीके से किया गया है, तो वहाँ जैसे 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी, मुद्रा लोन देने की बात की थी, 10 करोड़ की जगह तो आप छोड़िए कि 5 करोड़ से ज़्यादा तो लोग बेरोजगार हो गए, तो ये रोजगार की तो बात करते नहीं है। फिर एक मिनट श्याम सुंदर, जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत थी, अब आप 17 करोड़ की लोगों को लोन दिया है, मुद्रा लोन, ये सब कागजों में ही है, बाकी वास्तविकता कहीं कुछ नहीं है। 5 करोड़ लोग आज बेरोजगार हो गए, जिस तरह से व्यापारी है वो बर्बाद हो गए, बैंकों ने बांटा है, सरकार ने उसका कोई डाटा बना के नहीं दिया। अगर उनको लोन नहीं, युवाओं की हालत खराब हो गई, अगर उनको लोन मिला होगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे, और नहीं मिला होगा तो कांग्रेस पार्टी को दे देंगे। जब इन्होंने फिर इतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत कहा है, 66 अरब रुपए आपने प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया, तो जरूरत ही क्या है, आपने इतने लाभार्थी आपने पैदा कर दिए, तो फिर जरूरत क्या है, जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप बता रहे हैं
तो आपको इतना प्रचार प्रसार करने की और विज्ञापन करने की जरूरत कहाँ है? आप तो ऑलरेडी जीते हुए पार्टी है। बिल्कुल जीते हुए हैं, दोबारा सरकार बना रहे हैं। वो तो धरातल में जो हकीकत है वो कुछ और है। वो तो आप अभी तो आपको पता चलेगा जिस तरीके से तीन राज्यों में आपको देखने को मिला है। तीन राज्यों में जो गुमराह करके आपने लोगों को, किसानों को बेरोजगारी भत्ता के नाम पे जो आपने गुमराह किया वो जा चुके हैं, उन्हें पता लग गया कि ये सब जुमलेबाजी है। राजनीतिक पार्टियां किसी भी सत्ता में आने के लिए इस तरह की जुमलेबाजी जरूर करती है। नीरज जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है उसके अंदर न्याय योजना है, जो की बहुत बेहतर योजना है, विश्व की सबसे बेहतर योजना है। आज 5 साल में अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डगमगा गई है, अर्थव्यवस्था एक तरह से मैं अगर ये कहूँ कि आर्थिक मंदी आ चुकी है, आपातकाल, आर्थिक आपातकाल आ चुका है देश के अंदर। आज लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार के अवसर उनको नहीं मिल रहे, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। न्याय योजना के जरिए जिस तरीके से 72,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, उससे 5 साल के अंदर 3,66,000 करोड़ रुपए मार्केट में वापस आएगा। इससे क्या हर आदमी की जो परचेजिंग पावर वो बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, और व्यापार बढ़ेगा, फैक्ट्रियां लगेगी, उससे और अधिक व्यापार होगा, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से होगी। जिस तरीके से इन्होंने अर्थव्यवस्था को डामाडोल स्थिति में ला के रख दिया, आज जो हालत खराब कर दी है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करके मुफ्त में नहीं है, तो उससे तो उनकी आदतें कि काम करने की आदत ही बंद हो जाएगी। आय योजना तो एक आदमी को जीवन स्तर उच्च करने के लिए तो चाहिए ही ना। आज हम इसके बारे में सोचना पड़ेगा हम लोगों को, और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो देश की स्थिति अपने आप सुधरेगी। बात कर रहे हैं 5 करोड़ लोगों को, आप 5 करोड़ लोगों को लाभान्वित करेंगे, 17 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के जरिए लाभान्वित किया जा चुका है, वो पैसा भी बाजार में ही आया है। 6 लाख सालाना देने की बात कर रहे हैं, वो अन्नदाता जिसका इन्होंने अपमान किया है 6 लाख सालाना देकर, जिस तरीके से जो पूरे देश का पेट भर रहा है उसको आप 6 लाख सालाना, मतलब 17, 14, 15 रुपए पर डे क्या आता है, 14, 15 रुपए में, आप ये तो बताइए। साल का बोला 6 लाख रुपए नहीं, आप सॉरी 6,000 रुपए यहाँ पर दर्शकों के सामने। ललिता, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लगता नहीं है श्याम जी, कांग्रेस पार्टी ने जो है एक तरह 6,000 रुपए महीने देने की बात की है, आपकी पार्टी 6,000 रुपए साल की देने की बात कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगार है उनको यदि रोजगार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि हम उनको मुफ्त में कुछ देने की आदतें डाल दें। रोजगार के लिए वही 30 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के जरिए इस बार का लक्ष्य रखा गया, 30 करोड़ लोगों को लाभान्वित करके, उनको क्या दोगे? जो लोग भूमिहीन है मुद्रा लोन के लिए, मुद्रा लोन के लिए कोई भूमि नहीं चाहिए, मुद्रा लोन के लिए कोई भूमि नहीं चाहिए, कोई मकान नहीं चाहिए, बिना सिक्योरिटी के लोन मिलता है मुद्रा लोन, जो आदमी अपना रोजगार खुद का। श्याम जी, मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, और श्याम जी मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, मुद्रा लोन लेने, ये तो ललिता जी, जब तक जमीन नहीं होगी तो मुद्रा लोन कैसे मिलेगा? श्याम जी, ये तो बताइए, जो किराए पे रह रहे हैं लोग उनको भी मुद्रा लोन मिला है, और उनको भी उनके लिए ऐसे आप दर्शकों को गुमराह करना चाहते हैं। श्याम जी दर्शकों को गुमराह नहीं करें, क्योंकि देखिए मुद्रा लोन तभी मिलता है जब जमीन हो, जमीन का किराया नाम हो, लेकिन हम उस आबादी की बात कर रहे हैं जिसके पास न खुद की जमीन है, न रहने को घर है, न रहने को छत है। आपने कहा ना किराया नामा हो, लोगों तो के बारे में कोई राजनीतिक पार्टी सोचती है तो उसको तो किराया नामा होगा। आज भी आपको पता है कि बहुत सारी जातियां इस विषय को उठाती है कि उनके मरने के बाद शमशान घाट तक नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से गरीबी अभी भी हमारे देश में मौजूद है। जरूरत है उन लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं देने की, वो नहीं दे पाते, और हमने फिर कहीं ना कहीं मुफ्त की राशि देने की बात की है, उनको मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही, जो उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस का चूल्हा और वो मुफ्त में दिया गया है, और उसके अलावा शौचालय की तो वास्तविकता जो बताएं, आंकड़े बताएं, घर घर तक वहाँ पे गरीबों के, और बिजली जो प्राथमिक चीजें हैं, और वो गांव गांव तक, घर घर तक बिजली पहुँचाई है, 1,000 रुपए का करोड़ों करोड़ों संख्या में 1,000 भारत देश में नए बिजली के कनेक्शन लगे हैं। बेचारे गरीब क्या भरवाएगा, 85% लोगों ने दोबारा रिफिल ही नहीं करवाया उसको, और आज वापस वो चूल्हे पे रोटियां बना रही हैं। ललिता जी, सबसे बड़ी समस्या है कि तो वैसे धज्जियां उड़ चुकी है आपकी, क्या बात कर रहे हैं, उनकी तो बकरियां बंद हुई है, सब लोग लाभ उठा रहे हैं, और तो आप बताइए, ग्रामीण खुश है,
और इस बार भाजपा सरकार आंकड़े उठा के जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको निःशुल्क मकान भी देने की घोषणा की है और वो लेकर आएंगे। ये पहल अच्छी है ललिता जी, ललिता जी श्याम जी, ये पहल बहुत अच्छी है सरकार की, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक हमारे समाज, ललिता जी आप सुनिएगा, उज्ज्वला योजना बुरी नहीं है लेकिन उसका मकसद भी अच्छा है, लेकिन आपको हमको सबको ये सोचना होगा कि जो समाज का वो तबका जो विकास की मुख्यधारा से दूर है, जिनके ना मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं, ना जिनके पहचान पत्र बने हुए हैं, ना उनके न किसी दूसरे राशन कार्ड बने हुए हैं, उन लोगों को इन योजनाओं का फायदा कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं कि जो अब आप सड़क किनारे कचरा बिन रहा है, फुटपाथ किनारे जो रह रहा है, कभी बात की आपने तो बात की तो आपको पता लगेगा हकीकत की, हकीकत में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी आप यूं कह सकते हैं उनके पास नागरिकता ही नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास पहचान पत्र नहीं है। आखिर में उन योजनाओं का, उन घोषणाओं का उनको कैसे लाभ मिलेगा? आप उन्हीं को ऊंचा उठाने की बात कर रहे हैं। नीरज जी मैं माफी चाहूंगी, लेकिन इनका जो घोषणा पत्र है, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जो इन्होंने घोषणा पत्र की पिछली बार 2014 में बात की थी कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे, तो काला धन के मालिक बन के बैठे हुए 10 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2-5 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, 370 हम हटाएंगे, 17 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के जरिए से रोजगार दिया है, वो क्या किया आपने? रोजगार मिला है, आप कैसी बात कर रहे हैं? आंकड़ों पे आइए ना, ये तो क्या जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं? नहीं होगा, आप आंकड़ों पे आएंगे, 17 करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिला है मुद्रा लोन के जरिए से, तो फिर वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? आप उनको क्यों नहीं? हम बात कर रहे थे मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, जिस तरह राजनीतिक पार्टियों में होड़ मची है घोषणा पत्रों में लोगों को रियायतें देने की, उसके बाद लगता है कि कहीं कहीं हम हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार करने जा रहे हैं जो कहीं कहीं निठल्ला होगा, कहीं कहीं उसको लगेगा कि ये तो मेरा अधिकार है और ये पार्टी नहीं देगी तो दूसरी पार्टी देगी, दूसरी नहीं देगी तीसरी देगी, और कहीं ना कहीं वो स्वरोजगार पर दौड़ने की बजाय, स्वरोजगार करने के लिए मेहनत करने की बजाय वो इस तरह की जो मुफ्त की चीज़ें हैं उनको लेने का आदि हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी जो है तैयार कर रहे हैं, खेप तैयार कर रहे हैं जिनको इस तरह की आदत पड़ जाएगी, और इस बात को लेकर जो आयकर चुकाते हैं उन लोगों का विरोध जायज है कि आखिरकार हमारी कड़ी मेहनत की जो कमाई है उसको सरकार विकास कार्यों में काम ले, लोगों को रोजगार देने में काम ले, सड़क बिजली पानी की सुविधाएं मुहैया कराने में काम ले, लेकिन इस तरह से उसको नगद राशि देना, कहीं पर सिलेंडर देना, कहीं पर घर बनवाना, जो ये एक तरह से विभेद पैदा करेगा आने वाले समय में। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो गई है क्योंकि उन्हें एक मुश्त वोट चाहिए, तो कहीं ना कहीं गरीब समाज जो 20% माना जा रहा है हिंदुस्तान में, उसके वोट लेने के लिए दोनों ही पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको लगता है ललिता जी इसका फायदा सब लोगों को मिल पाएगा? 20% लोगों को, आपने कहा कि 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, 72,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, लोगों को कई आज भी कई लोगों की तनख्वाहें नहीं है इतनी प्राइवेट सेक्टर में। देखिए नीरज जी बहुत फर्क पड़ेगा, जिस तरीके से जो जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का चल रहा था, कम से कम उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और उनका जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठेगा, उसमें तो कोई दोराई नहीं है। और फिर एक मिनट श्याम सुंदर जी मेरी बात तो सुन ले, राजस्थान चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था आपने, जो वो उनको तो कुछ आरक्षण दिया नहीं आपने, आप गुमराह क्यों कर रहे हैं लोगों को? ये जुमलेबाजी क्यों? राम मंदिर तो 40 से मंदिर बनेगा, भाजपा का प्रमुख मुद्दा है राम मंदिर, और राम मंदिर बनेगा, बात करते हैं, सहयोग करिए ना, आप आगे आइए, आप आगे आइए ना, वो तो हम बनाएंगे, आप आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, आप वहाँ आपके कपिल सिब्बल जी कोई नया वहाँ पे लोकमा लगा के रोक देते हैं, आपने ही रोका हुआ है राम मंदिर। लेकिन देखिए मैं आपका ध्यान सबसे बड़े, मैं आप दोनों का ध्यान सबसे बड़े मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूँ, धारा 370 को लेकर जिस तरह महबूबा मुफ्ती का बयान आया, फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत को जो है खोना पड़ेगा, सीधी सी साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने भी जिस तरह की चेतावनी दी है कि भारत भूल जाए यदि वो धारा 370 हटा देगा तो फिर उसका जम्मू कश्मीर पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, एक तरह से खुली चेतावनी दोनों नेताओं ने दिया, और शायद दूसरे अलगाववादी नेता भी साफ तौर पर इस बात को नकार रहे हैं कि यदि धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर और जम्मू पर अपना अधिकार जो करने की बात भारत कहता है वो भूल जाए, आपको लगता है? और कांग्रेस पार्टी ने उसी धारा 370 का समर्थन किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम नहीं हटाएंगे, क्या कहना चाहेंगे श्याम जी आप?
ये दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। आपने तो धारा 370 ला करके जिस हिसाब से इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया और जितने युद्धों में पाकिस्तान के कब्जे में जमीन गई वो वापस नहीं लिया, चाइना ने जो कब्जा किया वो वापस नहीं ले पाए, और ऐसी स्थितियों में ये दोहरा चरित्र पूर्ण रूप से सामने आ गया कि जो राष्ट्र विरोधी जो धारा है वो हटाएंगे, धारा 370 लगा रहेगा, हम नहीं हटाएंगे। अरे तो माफी ये क्या तरीका है भैया, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी टुकड़े चाहिए। गैंग और उनको सक्रिय उनको संरक्षण जो देश में आतंकवादी गतिविधियां चलाए उनके लिए संरक्षण, और जो हाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के धारा 370 हटाने की बात करती है, वही कांग्रेस और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस ने तुरंत प्रभाव से उस चीज को दोनों में बहुत फर्क है, हम नहीं हटाएंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। पहले आप पढ़ लें, गजब की बात है, दोहरा चरित्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने है। ललित जी कहना क्या चाहेंगे, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा है, साफ तौर पर जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा है, उनके बयानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी कि यदि कोई भी धारा 370 हटाने की बात करेगा उसको परिणाम भुगतने होंगे। नीरज जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से 370 इन्होंने हटाने की 2014 में अपनी मैनिफेस्टो में लेकर आए थे, बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना खैर इस आधार पे हुई है, 370 इसको हटाएंगे, राम मंदिर बनाने को लेकर ही राम मंदिर की बात ये करते आए, जो कहते हैं वो करते नहीं है, और फिर जाके मैं जब सरकार श्याम सुंदर जी मुझे बोलने दीजिए और फिर जाकर आप उन्हीं के साथ आपने मैनिफेस्टो में धारा 370 जारी रखना, किस तरीके की हरकत की आपने सरकार में मुक्ति वो क्या महबूबा मुफ्ती के साथ जाकर, और आप सरकार बना रहे तो मतलब 370 हटाने की जगह आप सरकार बना रहे हैं, वहां पर इन्होंने तो सहयोग कर रहे हैं, इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में साफ लिखा है ना, 12000 पत्थर बाद में केस इन्होंने वापस लिए, इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में साफ लिखा है, सैनिक है उनके केस आज भी, इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो धारा 370 हटाएंगे, और आपकी पार्टी कह रही है कि हम इसको छेड़ेंगे भी नहीं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की ये घोषणा सामने आई है पूरे देश में सवाल मच गया, और उग्रवादी नेता इस बात को लेकर भारत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। राम मंदिर और धारा 370 हमारा अहम मुद्दा है, आप लोगों ने विपक्ष में वोटिंग की है, श्याम जी ललिता जी श्याम जी जिस तरह से आपकी कुछ दिनों पहले तो दोस्ती थी महबूबा मुफ्ती की पार्टी से, उनके साथ सरकार बनाई और आज वही आग दिखा रही है आपकी पार्टी को, पिताजी के साथ जहाँ विचार मिले सरकार बनाई, जहाँ विचार उनके अलगाववादी लगे वहाँ सरकार खत्म कर दी, और अलगाववादी नेता कई जेल में है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता महबूबा मुफ्ती क्या कहती है, कई अलगाववादी नेता जेल में है, राष्ट्र सुरक्षा से कहीं समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो राष्ट्र सुरक्षा से अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए है, ये इनके बयान और ज्यादा उग्र करेंगे, क्योंकि जिस तरह का बयान दिया है प्रमुख मैनिफेस्टो हमारा ये है, राष्ट्र सुरक्षा से कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अलगाववादी नेता हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे कोई भी हो, राष्ट्र सुरक्षा से कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो हटाया क्यों नहीं आपने 370, ये आज हटेगा, जनता करोड़ जनता आज आते ना, आपने हमेशा विरोध किया है, संसद में विरोध किया है, और आपने तो मैनिफेस्टो में साफ साफ लाके बता दिया कि आपने 370 भी हटाए थे, स्पष्ट रूप से आपने अपनी मनसा दिखा दी है, धारा 370 नहीं हटाएंगे, आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें लाकर के आपने अपना चेहरा दिखा दिया है, बहुमत से आपकी पार्टी की सरकार है ललिता जी, जिसने 2/3 बहुमत से आपकी पार्टी की सरकार केंद्र में थी, और इसके बावजूद धारा 370 को हटाने को लेकर आपकी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, और अब एक बार फिर एक बार ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक बार चाल चली है कि नहीं, लोगों को वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का सुखों पर छोड़ा है, और उसको घोषणा पत्र में शामिल कर दिया कि नहीं हमारी पार्टी अपने मुख्य, आपको लगता है नहीं सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का सुगुप छोड़ा गया कि नहीं नहीं धारा 370 हमारा अहम मुद्दा है, राम मंदिर हमारा अहम मुद्दा है, इसे नहीं छोड़ेंगे, और घोषणा 40वें नंबर पे चला गया, 40वें पेज पे राम मंदिर, तो साहब क्या बात कर रहे हैं, इनके जो मुद्दे हैं राम, पहले श्याम जी का बिल्कुल, मैं ये बोले दोगला चेहरा इनका 125 करोड़ जनता ने देख लिया है, भारत की जनता राम मंदिर को बनने से रोकने में सबसे अहम भूमिका कांग्रेस की रही है, कपिल सिब्बल जो इनके नेता है वो समय समय पे उस पर अड़चने लगाते रहे, लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम, धारा 370 का जो मुद्दा है वो अहम, और बेरोजगारी
वो अहम मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्र सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है। श्याम जी, राम मंदिर का मुद्दा तो अब तो कोर्ट ही हल करेगा, उसमें तो आप न तो आपकी पार्टी कुछ कर सकती है न कांग्रेस पार्टी कुछ कर सकती है। हमारी तरफ से सारे रास्ते खुले हुए हैं कि जो राम मंदिर का जो गेट है, दरवाजा है, वो भी शायद राजीव गांधी ने खोला था, उसके बाद में आपकी पार्टी ने दो बार सरकार में रह गई है, लेकिन सारे रास्ते खुले हुए हैं। आप आए साथ में, अध्यादेश में साथ में आए और राम मंदिर बनवाए, 5 साल से आपको बोल रहे हम साथ हैं, आप अध्यादेश लाने, आप विपक्ष में वोटिंग करते हैं, अभी यहाँ पे बोलते हैं साथ में है मंत्री जी से, लेकिन नीचे तक आपकी सत्ता है, सत्ता में सब लोग हैं, बनाइए आप। लेकिन आप लोग मुझे बताइए दोनों, मैं ललिता जी से जानना चाहूंगा, श्याम जी से जानना चाहूंगा, इस तरह की जो लोक लुभावनी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी ने जो की है, आपको लगता है ये लुभाने के लिए कर दी सिर्फ? मैं नीरज जी आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी कभी लोग लुभावनी वो नहीं करती है घोषणाएं। न्याय से कम से कम जीवन स्तर लोगों का बढ़ेगा और इस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लोगों को रोजगार, रोड मैप नहीं है, सब रोड मैप है, आपके पास क्या रोड मैप है उसका, आप बताइए ना, आधार नहीं है, बस 72,000 क्योंकि देना कुछ नहीं, व्यापारियों को हम देंगे कमजोर ₹3500 आपका, ₹3500 जो राजस्थान के बेरोजगार आज भी इंतजार कर रहे हैं उनके खातों में आज तक 35 पैसा नहीं गिरा, 15 लाख तो हम भी वेट कर रहे हैं, 15 लाख का तो हम 15 पैसा नहीं गिरा उनके खाते में, ₹3500 का आपने वचन दिया था, क्या आए थे आप 15 लाख देंगे, काला धन लेकर आएंगे, आप कितना 15 लाख रुपए का 15 लाख की बात नहीं कर रहे हैं श्याम जी, इनके पास 15 लाख गिनाने के लिए और आपके पास 3.5 लाख रुपए गिनाने के लिए, हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी की सरकारों कुछ महीने ही हुए हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो 5 साल तक 15 लाख का इंतजार कर लिया, हम इंतजार कर लेते हैं, इन्होंने और जनता ने भी कर लिया, और अब जो है इन्होंने जो है 15 लाख का उल्लेख नहीं किया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ऋण माफ, अरे हमने तो वो क्या भैया, क्या ये 10, 9, 8, 7 क्या काउंटडाउन तो खत्म हुआ, किसान आज भी घूम रहा है कागज ले लेके बैंकों में धक्के खा रहा है, अरे हमारा तो अभी चालू, अभी रुक जाइए, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? 9, 8, 7, 6, 5 कहाँ हुआ, कहाँ गया? मैं आप दोनों से, श्याम जी, ललिता जी, दोनों से जानना चाहूंगा, श्याम जी, श्याम जी, ललिता जी, और आपको तो माफीनामा लाना चाहिए, 100 करोड़ जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए, ललिता जी, कि हमने जो वादे करके आए हैं आपसे वो हमने पूरे नहीं किए, ललिता जी, श्याम जी, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, आप जिस तरह की लोक लुभावनी घोषणाएं दोनों पार्टियों ने की, राजनीतिक पार्टियों ने, आपको लगता है आने वाले समय में इस तरह की जो है और फितरत बढ़ेगी राजनीतिक पार्टियों की, उनको लगेगा कि जो वर्ग वोट देने वाला है उनके लिए इस तरह के लोक लुभावनी घोषणाएं की जाए और वोट ले लिए जाए, ये गलत परिपाटी शुरू नहीं हो रही है, आपको लगता है, क्या कहना चाहेंगे एक बार श्याम जी की बात करिए? मेरा मानना ऐसा है कि गरीब से गरीब कोई भी व्यक्ति ऐसा अछूता ना रह जाए देश में जो कि भूखा सोए, इसलिए उसको जो प्राथमिक जो चीज़ें हैं उसको दो वक्त की जो रोटी मिल जाए और उसको रोजगार मिले, ये एक देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, तो उसके लिए अगर कुछ उनके लिए न्यूनतम मानदेय अगर कुछ तय किया जा रहा है तो उनको कुछ उठाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ऋण देने की बात की जा रही है, तो ये मेरे हिसाब से पहल अच्छी है और इससे उन जो गरीबी हटाने की जो बात कांग्रेस सरकार 70 साल से करती आई है और कुछ किया नहीं उसमें, कहीं ना कहीं आगे बढ़ के इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहल की है, हो गई है और इस चीज को आगे लेकर जाएगी, आपको लगता है ये परिपाटी सही है? ये कांग्रेस पार्टी मनरेगा लेकर आई थी, उससे किसानों को जोड़ा, मजदूरों को जोड़ा, उनको रोजगार मिला, अब न्याय योजना लेकर आई है, एक मिनट हम क्या बोल रहे हैं, ललिता जी, श्याम जी, आप दोनों मुद्दाग्रह पे पधारे, आप दोनों ने अपनी अपनी बात की, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों में गरीबों के नाम पर खैरात बांटने की होड़ मची हुई है, जिस तरह से मुफ्त का चंदन किस में नंदन वाली बात कहावत चरितार्थ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हम एक ऐसा वर्ग तैयार कर रहे हैं जो नकारा होगा, क्योंकि जब उन्हें मुफ्त में सब चीज़ें मिलने लगेगी तो कहीं ना कहीं वो काम करना पसंद नहीं करेगा, जबकि राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि वो हर हाथ को काम देवें, उनको स्वावलंबी बनावें, उनको स्वरोजगार देवें, लेकिन इस और किसी भी पार्टी ने नहीं सोचा है, और ख़ास तौर पर शिक्षा और चिकित्सा की जो बात करें, राजनीतिक पार्टियां मुफ्त में राशि धनराशि देने की बात तो कर रही है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा कि हर आदमी को उसको जो है चिकित्सा सुविधा फ्री मिलेगी, जैसे कि राजस्थान में मिल रही है, यदि इस तरह की चिकित्सा सुविधा भी उनको फ्री मिले, उनको एजुकेशन फ्री मिले, तो हो सकता है शायद उनका जीवन स्तर वैसे ही सुधर जाए, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को जो पैसा बांटने में ही कहीं ना कहीं उनका भी
मुनाफा छिपा हुआ होता है, छिपा हुआ एजेंडा होता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य फ्री करेंगे तो उसका लाभ उनको देना पड़ेगा और उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह सकते हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए इस तरह की घोषणाएं करनी पड़ती है। मुद्दा अगर हमें आज के लिए इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।